हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे मोमोज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए ना, लग रहा है एकदम बढ़िया मोमोज हमारे। मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। मैंने मैदा कोई नाप के नहीं लिया हुआ है। इसमें 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे ऑयल को। यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गूंथ लेंगे पानी डाल के अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने आटे को गूंथ लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और न्यूट्रीला। न्यूट्रीला को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। यहाँ पर मैंने गैस पर पैन रख दिया है। पैन में तेल डाला है। तेल हमारा हो गया। अब इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा भी हमारा हो चुका है। अब सारी कटी हुई सब्जियां डाल देंगे उसमें। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे और हींग डाल देंगे। नमक हींग डालकर मैं इसको ढककर पका लूँगी। मिक्स कर देंगे। फिर कम से कम 5-6 मिनट तक इसको धीमी आंच पर पका लेंगे सब्जियों को। यहाँ पर मैंने 5-6 मिनट तक सब्जियों को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मोमोज़ बनाते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी लोई ली हुई है। आप जितना बड़ा मोमोज़ रखना चाहते हो उतनी बड़ी लोई ले सकते हो। अब इसको बेल लेंगे। यहाँ पर रोटी को मैंने बेल लिया है। कुछ रोटियाँ पहले से ही बेल कर मैंने रख ली थी। अब मोमोज भरते हैं। रोटी को ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच सब्जियाँ डालेंगे और इसको इस तरह से मोड़ते हुए दबाते हुए भर लेंगे। सारे मोमोज इसी तरह से भर लेंगे हम। यहाँ पर मैंने सारे मोमोज भर लिए हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को लगा लिया है। अब इसमें मोमोज रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक लेयर मोमोज की रख दी है। अब इसमें ऑयल लगा देंगे ताकि जो हम दूसरी लेयर रखेंगे उसमें हमारे मोमोज चिपके ना आपस में। अगर चिपक जाएंगे तो जब पक जाएंगे तो हम जब इनको उठाएंगे तो ये अंदर से नीचे से टूट भी सकते हैं, इसलिए हम दोबारा। यहाँ पर मैंने कुकर में पानी रख दिया, उसमें 1 कटोरी रख दी है और पानी हमारा गर्म हो चुका। अब इसमें बाउल को रख देंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे कुकर का। 2 सीटी आने तक मीडियम गैस पर हम इसको पकने देंगे। यहाँ पर 2 सीटी लग चुकी हैं और हमारे मोमोज अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए ना, जो मैंने ऑयल लगाया था इस वजह से हमारे मोमोज चिपके नहीं। अगर इसमें हम ऑयल नहीं लगाते तो ये आपस में चिपक जाते। जब इनको उठाते तो ये नीचे से टूट भी सकते थे। सारे मोमोज निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी।